बेटी कैसे सब मैं संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो यहां से ये स्टार्ट होता है द्वारका एक्सप्रेस वे दोस्तों मेरे पीछे है पता क्या महिपालपुर शिव मूर्ति देखो ये है जो मेरी उंगली चमक रही है और यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको बता दोस्तों कि यहाँ पर ये अंडरग्राउंड ये टनल बनाई गई कि ऊपर तो ये रोड चल रही है दोस्तों यानी कि एन एच फोर्टी एट तो उसके नीचे से ये टनल भी बनाई गई है और आप लोगों को बता दूँ इसके टनल के अंदर से भी जा सकते हैं और आप लोग ऊपर से भी जा सकते हैं तो यहाँ पर टनल भी दी जा रही है दोस्तों और आपको बता दूँ इसमें एलिवेटेड पार्ट भी है दोस्तों तो दिखाएंगे आगे चल के और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो तुरंत बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एंड तक देखते रहो इस वीडियो को दोस्तों बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा आप सभी को इस वीडियो के अंदर दोस्तों द्वारका एक्सप्रेस वे से रिलेटेड दोस्तों के कितना बचा हुआ है कितना काम हो गया कंप्लीट क्या, क्या क्या किया जा रहा है आप लोगों ने कल हरियाणा का पार्ट देखा था जिसमें से खिड़की दौला टोल प्लाजा से पहले जो एन एच फोर्टी एट में जो आप लोगों को बता दूं इंटरचेंज बनाया गया बहुत ही विशाल इंटरचेंज है बहुत ही सुंदर है तो आप लोगों ने उन उन्नीस उन, किलोमीटर का पार्ट देखा था आज आप लोग देखेंगे दस किलोमीटर का पार्ट जो कि दिल्ली के अंदर है दोस्तों और वो यहीं से स्टार्ट होता है तस्वीर आप लोग देख सकते हो साइडों की ये बाल बना ली जा चुकी हैं अब इसमें मिट्टी निकालने का, का काम किया जा रहा है और आगे भी काम किया जा रहा है दोस्तों मेरे राइट हैंड पे है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और ये देखो हाईवे निकल रहा है दोस्तों एन एच फोर्टी एट तो इसी को क्रॉस करने के बाद में आगे दिखाएंगे चल के तो आगे आप लोग देखने के लिए मिलेगा दोस्तों लेकिन यहाँ पर अभी आधा काम हो चुका है लेकिन आधा अभी बाकी है क्योंकि काम उधर चल रहा है और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है जय कुमार द्वारा इसको बनाया जा रहा है दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और यहाँ से चलेंगे आगे दिखाएंगे चल के कि किस तरीके से यहाँ पर एलिवेटेड भी सेक्शन बनाया जा रहा है जिसकी साफ़ सफ़ाई कर दी जा चुकी है दोस्तों और देख सकते हो यहाँ पर ये सेफ्टी बोर्ड किसके जय कुमार के ही लगे हुए हैं दोस्तों अब देख सकते हो यहाँ से ये एलिवेटेड पार्ट है जिसमें राइट हैंड पे देखो ये मिट्टी साफ कर ली जा चुकी है और इसके अंदर से ही टनल जाएगी जो कि निकलेगी जाके अंदर ही अंदर क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यार्ड है दोस्तों जय कुमार कंपनी का ये मेरे लेफ्ट हैंड वाला देख सकते हो यहाँ पर ये क्रेन मशीन इसीलिए लिए यहाँ पर खड़ी हुई है आप लोगों को तस्वीरें देख सकते हो तो ये बनाया गया है देख सकते हो यहाँ पर यह पैराफिट वॉल्व बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों जिसमें सरियाओं का जाल बना दिया है अब इसमें कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट भरा जाएगा दोस्तों फिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऊपर एलिवेटेड रहेगा यानी ऊपर ऊपर जाना है जिसको ऊपर ऊपर जा सकते हैं तो ये जो डेली से बना आएँगे यानी कि धौला कुआं से जो बहान आएंगे वो इस एलिवेटेड का सहारा लेंगे दोस्तों और जिन्हें नीचे जाना है दोस्तों वो नीचे से भी जा सकते हैं क्योंकि आगे एयरपोर्ट एरिया था तो इसी वजह से यहाँ पर इसको आपको बता दूं एलिवेटेड पार्ट्स नहीं रखा गया दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो और ये यहाँ पर ये रोड आ जाती है दोस्तों आपको बता दूँ नजफ़गढ़ और काफज खेड़ा तो यहाँ पर भी अंडर पास बनाया जा रहा है दोस्तों और एलिवेटेड सेक्शन भी बनाया जा रहा है तस्वीरें आप लोग देख सकते हो जिनको आप लोगों को बता दूं कि काफ़ खेड़ा जाना है या काफ़ खेड़ा वालों को नजफ़गढ़ जाना है तो वो अंडर पास का तारा लेंगे दोस्तों और जिन्हें गुड़गांव के लिए जाना है दोस्तों वो ये एलिवेटेड पार्ट का सारा लेंगे तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ ये क्रेन मशीन सेगमेंट को उठा रही है और फिर इसको जोड़ने का काम किया जा रहा है तस्वीर आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर ये लॉन्चर लगाने का भी काम किया जा रहा है आगे तस्वीरें देखो यहाँ पर ये लॉन्चर लॉन्च launch किया जा रहा है ऊपर के लिए जिसमें से देखो एक पिलर पर जो उसका सेगमेंट था लॉन्चर का वो देखो लगा दिया एक पैर दूसरा रखा जाएगा तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा लॉन्चर है और यहीं से आप लोगों को ले चलेंगे दोस्तों देखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ दस किलोमीटर का सेक्शन ये डेहली के अंदर आता है दोस्तों जिसमें से आधा तो बन के कंप्लीट हो गया है ये अंडर और आधा अभी काम चल रहा है दोस्तों और इसका एलिवेटेड सेक्शन भी बनाया जा रहा है जो कि गुड़गांव के लिए जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी ये दो पिलर बन गए हैं जिन पर सेटिंग लगी हुई है देखो आप लोग पहले पियर बनाया था आप पियर कैप का, का काम किया गया तस्वीरें देख सकते हो और जो सेफ्टी वायर हैं उनके लिए ये छेद भी किए गए हैं दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो यहाँ से ये इसे चढ़ने के लिए जब हम नजबगढ़ से आएंगे और हमें द्वारका के, के लिए जाना है तो ये लेफ्ट हैंड पे जो पिलर आप लोगों ने देखे थे ये क्रेन मशीन खड़ी है ये इस पर से ही कनेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर दोस्तों जोड़ दिया जाएगा तो ऊपर तो हम नहीं जा सकते लेकिन आप लोगों को नीचे से ही देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को दिखाएंगे जो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंशन एक्सपो सेंटर है वो भी नरेंद्र मोदी जी ने अभी उसका रिसेंटली में उद्घाटन किया तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ पर बनाया गया है लेकिन अभी इस हिस्से में दस किलोमीटर के हिस्से में दोस्तों डेली सेक्शन में काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे पर तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर भी एक अंडर पास बनाने का काम किया जा रहा है तो उसी का ही यहाँ पर देख सकते हो ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं दोस्तों ये एक रोड जा रही है जो कापसखेड़ा और इधर के लिए चली जाती तो यहाँ पर भी अंडर पास बनाने का काम किया जा रहा दोस्तों तस्वीरें देख लो आप लोग और ऐसे ही वीडियोस देखो के पी संत के चैनल पर के पी संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दो तुरंत बेलाइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों के पी संत लाता रहता है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस को बनाया जा रहा है दोस्तों जो कि दस किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली के अंदर आता है और उन्नीस किलोमीटर का पार्ट दोस्तों हरियाणा के अंदर आता है यानी कि गुरुग्राम को बिल्कुल पीछे छोड़ देगा यह तो आप लोगों को बता एयरपोर्ट के सामने ही महिपालपुर है और महिपालपुर में ही यह सिमूर्ति और स्टार्ट होता है और वहीं पर यह खत्म भी होगा दोस्तों देख सकते हो एयरपोर्ट के अंदर से भी ये टनल बनाई जा रही है तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो आप बने रहिए और आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर बनाया गया और उसी का ही देख सकते हो ये एलिवेटेड रोड है दोस्तों जो कि इस पर आ सकते हैं और जा सकते हैं एक्सपो के अंदर दोस्तों देख सकते हो आई इसका नाम है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये उसी का ही क्या ये एलिवेटेड हिस्सा है दोस्तों देख सकते हो जो हम दहली से आएंगे दोस्तों तो वो इधर जा सकते हैं और जो यू आर टू से आएंगे वो भी इस पे ही जा सकते हैं तो आगे आप लोगों को बहुत विशाल इंटरचेंज देखने के लिए मिलेगा द्वारका एक्सप्रेस वे का दोस्तों और यू आर टू का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो वो आप लोगों को आगे दिखाएंगे देख सको यहाँ से ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर देख सकते हो ये गेट है उसके तस्वीरें देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा काफ़ी विशाल है दोस्तों आप लोगों को बता दूं जिसके इन्ोग्रेशन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा इसका महरूत कर दिया जा चुका है दोस्तों देखो आप लोग तस्वीरें ये देख सकते हैं तस्वीरें दोस्तों देखो लॉन्चर लगा हुआ है अभी पिलर को कनेक्ट करने का, का काम किया जा रहा है एक पिलर से दूसरे पिलर को क्योंकि ये इंटरचेंज का पार्ट है दोस्तों देख सकते हो यहाँ से ये आपको बता दीजिए लेफ्ट वाला तो दोस्तों यू आर टू है और ये मेरे राइट वाला यहाँ पर ये पूरा इंटरचेंज बनाया जा रहा है जो कि पिलर के ऊपर ही होने वाला इंटरचेंज है दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये सीधा चला जा रहा है कहाँ पर एन एच फोर्टी फोर पर यानी कि पानीपत सोनीपत और वहाँ से निकल जाए सीधे अम्बाला चंडीगढ़ के लिए दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को पिलर ही पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और देखो यहाँ पर ये लॉन्चर भी लगा हुआ है जो एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करना है जो कि इंटर का पार्ट है यहाँ पर चढ़ने के लिए दोस्तों द्वारका एक्सप्रेस वे दोस्तों देखो आप लोग तस्वीरें देखो ये इंटरचेंज ही बनाए गए हैं जो कि प्लर के ऊपर ही होने वाला है काफ़ी लंबा चौड़ा काफ़ी विशाल ये यहाँ का द्वारका का ये इंटरचेंज है दोस्तों और देखने में भी इतना सुंदर लगता है क्या ही बताएं आप लोगों को तो आप लोग जब यहाँ पर इसका मुहूर्त हो जाए तब आप लोग आके देखना कि भाई साहब क्या अद्भुत बनाया गया है नीतीश गटकरी साहब का क्या ही कहना उनकी जितनी तारीफ की जाए दोस्तों उतनी कम है हमारे इंडिया को किस तरीके से नया न्यू इंडिया बनाया जा रहा है आने वाले टाइम में दोस्तों देखना कि हमारा देश हमारा इंडिया भाई साहब कुछ अलग ही चमकने वाला है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया अभी तक तो नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दो तुरंत बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो क्योंकि मैं पर डे ब्लॉग्स लाता रहता हूँ आप लोगों के बीच में दोस्तों पर डे मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसीलिए कि ताकि मैं कोई भी अपडेट लाऊं आप लोगों तक तुरंत पहुँचेगा और आप लोगों को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो ये सारा आप लोगों को बता दूँ ये द्वारका का एरिया है सारा दोस्तों और यहीं से ये जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप लोगों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर टनल बनाई गई है दोस्तों वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो सामने और जो ऊपर जाने वाले हैं द्वारका के लिए दोस्तों यानी कि खिड़की दौला जयपुर के लिए जाने वाले हैं और जो आपको बता दूँ दोस्तों चंडीगढ़ हरियाणा ये सर अंबाला के लिए जाने वाले हैं वो एलिवेटेड पार्ट का सहारा लेंगे अभी आप लोगों को दिखाएंगे तो देखो यहाँ पर कितनी ये टनल बनाई गए कि ऊपर दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि इंडियन रेलवे की लाइन गुजर रही है ऊपर तो इसी वजह से यहाँ पर ये अंडरग्राउंड सेंसन सेक्शन दिया गया है देख सकते हो यहाँ पर ये बाल बनाने का काम किया जा रहा है जिसमें इन्होंने सरियाओं का जाल तो बना दिया था लेकिन अब ऊपर की साइड में इसको जैसे जैसे कंक्रीट भर रहे हैं वैसे वैसे ये दीवार को ऊँचा करते जा रहे हैं दोस्तों और आपको बता दो कि पहले ही ये देखो यहाँ से ये चढ़ने उतरने के लिए हैं देखो कितनी लाइन है आप लोग देख सकते हो द्वारका के लिए लेफ़्ट वाली हैं और बीच वाली दोस्तों ये यू आर टू अरबन एक्सटेंशन रोड टू का यहीं से बिल्कुल सीधे जा सकते हैं दोस्तों और यहीं से खिड़की दौला के लिए भी जा सकते हैं तस्वीरें देख सकते हो आप लोग और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो नीचे <स्थालगा> रेड कलर का बटन से तो प्रेस कर दो तुरंत तो तो बेलाइकन तो बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये बाल बनाई जा रही है और बाल बनाने के बाद में फिर इस पर रोड बनाई जाएगी अभी तो इन पर जैसे देखो ये डेंट पेंट हो रहा है ना पेंट ये तीन तो पहले के ही अंडर पास है और बाकी तीन और एक चार ये चार अंडर पास अभी बनाए गए हैं दोस्तों देखो आप लोग तस्वीर है और यहां से ये टनल के नीचे है आप लोग टनल के नीचे भी जा सकते हैं और टनल के ऊपर भी जा सकते हैं आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि टनल के नीचे जाना है या ऊपर जाना है दोस्तों और यहाँ से आप लोगों को एरोप्लेन सी एरोप्लेन इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और टनल का पार्ट किस तरीके से बनाया गया है तस्वीर आप लोग देख सकते हो बाहरी भरकम यहाँ पर सरियाओं का जाल बना के दोस्तों और इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा देखो कितनी ऊँचाई होती है इसकी देखो आप लोग तस्वीर है अपनी आँखों से देखो कितनी ऊँचाई है देखो आप लोग और देखो भाई साहब इसमें सरियाओं का जाल बना के फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा कंक्रीट भरने के बाद में फिर इसकी सेटिंग निकाली जाएगी जब उसके बाद में ये टनल की मिट्टी निकाली जाएगी दोस्तों वो आप लोगों को आगे थोड़ी देर में देखने के लिए मिलेगा जब आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों और किस तरीके से यहाँ पर ऊपर ही ऊपर पहले तो इसमें ज़मीन के अंदर दोस्तों पायल किया जाता है फिर उसमें सरिए का सरिया डाला जाता है फिर उसमें इसको इसी तरीके से ये बाल बनाए जाते हैं साइडों के दोस्त और काफ़ी भर का बा, साहब इसके जो दीवार हैं ना इतने मजबूती के साथ बनाते हैं आप लोगों को क्या ही बताएं? आप लोग खुद देखो अपनी आँखों से क्योंकि मेरे बताने से और आपके देखने से तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो इसी वजह से आप लोग देखो आप लोगों को पता चल जाएगा जो जो देखो दीवारें आप लोग किस तरीके से बनाई जाती है इसकी बाल और सरिया देखो कितना विशाल सरिया लगाया हुआ है दोस्तों देखो आप लोग तस्वीर आप लोग देखो देखो दिखाई दे रहा आप लोग लोगों को आप देख सकते हो यहाँ पर सरियाओं का जाल किस तरीके से इसे बनाया है सरियाओं का जाल बना दिया है अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा और फिर उसके बाद में इसकी मिट्टी निकाली जाएगी जब ये पक्के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इसकी मिट्टी निकाली जाएगी दोस्तों देखो आप लोग तस्वीरें अगर आप लोगों को मजाक लगता हो तो आप लोग बता सकते हो तो ऐसे ही वीडियोस देखो के पी संत के चैनल पर दोस्तों के पी संत लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों ये सारी टनल बनाई गई हैं आप लोगों को बता दें इसमें चार टनल हैं दोस्तों जो कि दो टर्नल तो आप लोगों को बता दूं कि एयरपोर्ट के अंदर से जा रही हैं दोस्तों यानि कि एयरपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं और बाहर दिल्ली के लिए भी जा सकते हैं यानी कि धोला के लिए तो यही नज़ारे हैं आप लोग देखो इन्जॉय करो दोस्तों चीज़ और देखो देखो वो ड्रेनेज बना दिया है ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया और उसकी जो दीवार चमक रही है वो दोस्तों एयरपोर्ट की है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दोस्तों और इधर देखो ये एलिवेटेड सेक्शन है और इसके बगल से ही आपको बता दूं कि टनल भी है जो कि अंदर है जो कि आप लोगों को बता दो कि जो गुरुग्राम से आएंगे इस टनल पर तो भी टनल का सहारा लेंगे दोस्तों और जो दिल्ली की तरफ से आएंगे वो इस एलिवेटेड का भी सहारा लेंगे और टनल में भी अंदर भी आ सकते हैं और ये आपको बता दो लेफ़्ट हैंड पे ये जो टनल बनाई जा रही है ये दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर जाएगी दोस्तों तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉन्चर लगा हुआ था लेकिन लॉन्चर उतार लिया जा चुका है तस्वीरें आप लोग देख सकते हो इतना ये एलिवेटेड सेक्शन इन्होंने कम्प्ली इन्होंने जोड़ दिया दोस्तों अब इधर का काम चल रहा है जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया उस साइड में तो अभी ये जोड़ने का काम किया जा रहा है और टर्नल भी बनाई जा रही है दोस्तों तो ये लेफ्ट में भी टर्नल है दोस्तों और राइट में भी टर्नल है और इसमें एलिवेटेड सेक्शन भी है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को आगे दिखाते हैं चल के अभी तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीर बिल्कुल मेरे सामने आप लोगों को बता दूं कि ये है महिपालपुर सिंह मूर्ति दोस्तों और उसी के बिल्कुल सामने ये एयरपोर्ट का एरिया देखो पहले तो इन्होंने ड्रेनेज बनाया उसके बाद में ये देखो टनल बनाई जा रही है तस्वीर आप लोग देख सकते हो एक टनल तो ये एयरपोर्ट के अंदर चली जाएगी और दूसरी टनल बाहर निकलने के लिए दिल्ली को जाने के लिए तो पहले तो आप लोगों को बता दूं कि पहले फाउंडेशन बनाते हैं नीचे का फिर इसमें बीच की दीवार और साइडों की दीवार है यानी कि सरियाह का पहला जाल बनाते हैं फिर फाउंडेशन बनाते हैं फिर उसके बाद में इस बाल को उठाते चले जाते हैं कॉन्क्रीट भर भर के तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया है ये बाल बना दिए दोस्तों लेकिन काफी सरिया लगा होता है देखो यहाँ सेटिंग लगा दी अब इसमें कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों ऐसे इधर भी किया जाएगा और दूसरी टर्नल दोस्तों बाहर निकल जाएगी यानी कि डायली के लिए तो आप लोग बता सकते हो कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा देखो अब बहुत जा रहा है एरोप्लेन देखो आप लोग तस्वीरें तो इसी तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है द्वारिका एक्सप्रेस को बनाया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद